हमीरपुर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा पूर्व सांसद राजनारायण बुधौलिया की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर हमारे संवाददाता सीतू सेंगर ने की खास बातचीत। देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट। हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा एक विभागण में एक ऐसी शख्सियत जिसे कि हम बुंदेलखंड का शेर कहते हैं, बुंदेलखंड का शेर, वास्तव में राजनीति का उसे शेर कहा जाए तो कम नहीं होगा। आज एक ऐसे महापुरुष जो कि पिछली 10 तारीख को इस राठ नगरी को विदा कहकर चले गए, 10 तारीख से लेके आज निरंतर श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के पूरे परिवार ने व बजरंग दल के पूरे परिवार ने और रात की मानी हुई हस्तियां आज यहां पे श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुई। मैं उस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूं। आप 6 भाई थे, आपने LLB की और आपने राजनीति में पहला कदम रखा बार एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में। आप निर्दलीय पार्टी से पहली बार आपने विधायकी का चुनाव लड़ा। आप पूर्व विधायक व सांसद भी रह चुके हैं। राजनीति की अगर बात की जाए, चाहे वो जिस दल में रहे हो, उस दल में हमेशा प्रबल दावेदारी रही है और लोगों का मानना है कि अगर जिस दल से भी उन्हें टिकट मिलता था तो उनकी जीत पक्की मानी जाती थी। ऐसे शख्सियत स्वर्गीय राजनारायण बधौलिया, उनके बहुत ही करीबी माने जाने वाले इस समय राकेश मिश्रा जो कि विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हैं, मेरे साथ खड़े हुए। आइए आज श्रद्धांजलि की सभा के और सभा में कुछ उनसे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज जो श्रद्धांजलि सभा हुई है तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा क्या कैसा क्या किया गया? विश्व हिंदू परिषद ने जो श्री राजनाथ जी के कार्यकलाप थे उससे प्रभावित होकर उनकी पूरी आस्था विश्व हिंदू परिषद थी। वे हिंदू समाज के बहुत बड़े सच्चे हितैषी थे, समाज में निर्भीक जो हमारे लिए तुरंत आत्मा थी, उनकी हम शब्दों में कोई बखान नहीं कर सकते। जो भी कहें वो भी कम है, हम उनसे बहुत छोटे हैं। उनके साथ हमको कम से कम 30-35 साल उनके साथ रहे हैं, उन्हीं के हम बच्चे उनके चलने का अनुसरण भी करते हैं और समाज को भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने का आग्रह करते हैं। जी हाँ, तो ये थे जिला उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा और एक और मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं। चाहे उन्हें राजनारायण बधौलिया जी का बेटा कह लिया जाए या उन्हें राजनारायण बधौलिया जी का भाई कह लिया जाए या मान लीजिए राजनारायण बधौलिया जी के घर के बहुत ही नज़दीक आप एक अभी वर्तमान में सभासद हैं। आपका नाम उपेंद्र शर्मा, जिन्हें प्यार से हम लोग लालू कहते हैं, तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। लालू जी, आज बुंदेलखंड को निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्षति हुई है एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कि जिनके नाम से बुंदेलखंड को जाना जाता है, तो क्या श्रद्धांजलि में आपने किस तरह से उनको देखा, किस रूप में? सदैव उनको हमने अपने संरक्षक के रूप में पाया है, सदैव उन्होंने हमारा संरक्षण किया है, हमारा के बल्कि पूरे बुंदेलखंड के संरक्षक के तौर पर रहे हैं। इसलिए हमने लोगों से मांग भी की है कि उन्हें छत्तीस के रूप में देखा जाए और जो अभी तक के मूर्तियाँ थी अब छत्तीस के रूप में आए, उनका भी नाम महापुरुष में जोड़ा जाए, क्योंकि उनको महापुरुष के अलावा उनको सोचना भी मतलब सब समाज का या समझ लीजिए आप एक अपमान होता है, तो उनका वहाँ बहुत आवश्यक है और समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, हो सकता है कहा उनकी जगह लेने वाला अभी तक तो कोई ना आया है तो हो सकता है ना कोई आ पाए, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो असंभव कार्य। तेजी फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UP24 न्यूज़। नमस्कार।